अपने घर का बजट तो आप बड़े आराम से बना लेते हैं, लेकिन सरकार के बजट की जब बात आती है तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन बात इतनी मुश्किल नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं आपके बजट से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देने की। महंगाई तो हर साल बढ़ती है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये मालूम है, तो हर साल टैक्स की लिमिट भी बढ़ जानी चाहिए। जितनी सैलरी आती है उस पर और भी टैक्स बढ़कर आता है, इसका क्या फायदा? बजट नजदीक आता है तो सब लोग कहते हैं हमारा टैक्स कम होना चाहिए, बिजनेसमैन कारोबारी कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स का रेट कम करना चाहिए, जनता कहती है कि टैक्स की लिमिट बढ़नी चाहिए, यानी जो थ्रेशोल्ड होता है कम से कम कितनी कमाई जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता वो लिमिट बढ़ जानी चाहिए। वित्त मंत्री कभी किसी के लिए थोड़ा कुछ करते हैं, कभी नहीं कर पाते। 3 साल पहले उन्होंने कंपनियों से वादा किया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स की दरें 30% से घटाकर 25% कर देंगे ताकि हमारी कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, वो ज्यादा कंपिटेटिव हो, लेकिन वो वादा पूरा कर नहीं पाए। आपको ऐसे बताएं कि वित्त मंत्री की हालत उस माँ जैसी है जिसके 4 बेटे हैं, एक जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, सभी बेटे अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा हिस्सा माँ को देते हैं और उससे घर का खर्च चलता है। बड़े सुपुत्र जो हैं रामनाथ जी वो व्यापारी हैं, कमाई अच्छी है तो सबसे ज्यादा पैसे माँ को देते हैं वो, और उनसे अगर आप पूछे तो वो आपको कहेंगे कि घर का खर्च तो वही चलाते हैं, बाकी के लोग जो देते हैं उससे ज्यादा उनके ऊपर खर्च हो जाता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि छोटे भाइयों से उनको बहुत प्यार है और मैं कमाता हूं तो इनको देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि घर के खर्चे का बोझ थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा कारोबार बढ़ाए, उससे सबकी तरक्की होगी। तो ऐसी मांग इंडस्ट्री की भी है कि टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा ग्रोथ करें, दुनिया में कॉम्पिटेटिव हो, दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर पाए। मानिए कि दूसरे भाई हैं भरत कुमार, नौकरी पेशा है, बंधी बंधाई सैलरी है, वो कहते हैं इसमें से बड़ा हिस्सा तो महंगाई डायन खा जाती है, इसलिए घर के खर्चे में वो जितना हिस्सा देते हैं, तनख्वाह बढ़ती है उसके साथ साथ उनका भी जो हिस्सा बढ़े घर के खर्चे में वो उनको मंजूर नहीं है। तो ये जो टैक्स रिडक्शन, टैक्स स्लैब बढ़ाने की मांगे आती हैं सैलरीड क्लास की तरफ से हमेशा कि जितनी सैलरी बढ़ी उतना टैक्स भी बढ़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। अब तीसरे भाई लक्की प्रसाद जी खेती करते हैं, इनकी तकलीफ है कभी कम बारिश होती है तो सूखा हो गया, कभी फसल बाढ़ में ही बह जाती है, इतनी बारिश हो गई, अब ये घर चलाने में मदद नहीं करते। किसानों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ये बात हम यहाँ पे साफ करें, किसी भी किस्म का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। कई बार बीज का पैसा भी ये जो तीसरे भाई साहब है वो माँ से मांग कर ले जाते हैं। हालांकि पिछले साल इन्होंने महंगी वाली मोटरसाइकिल खरीदी तो तब से दोनों बड़े भाइयों का मुँह थोड़ा सा फूल गया, उनको लगा कि इसके पास पैसे नहीं है तो फिर ये कैसे खरीद सकता है। अब ऐसी हालत है, देखिए शहर में रहने वाला जो मिडिल क्लास है जिनको बंधी बंधाई तनख्वाह आती है, सब कुछ कट के आता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो हम कहते हैं TDS ही कट के आता है, आप कुछ बचा नहीं सकते, कुछ छिपा नहीं सकते। उनका ये मानना है कि गरीब किसान को फ़ायदा है वो तो ठीक है, लेकिन जो किसान SUV में घूमते हैं आखिर उनको टैक्स में छूट क्यों, उनके ऊपर तो कम से कम टैक्स लगना ही चाहिए, उनको मुफ्त बीज खाद या सब्सिडाइज्ड ये क्यों मिलनी चाहिए। सबसे छोटा बेटा सनी ये कॉलेज में है, ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, तो पिछले साल उसकी फीस भरने के लिए माँ ने अपनी सोने की चेन बेच दी थी। माँ ने ये सोचा कि बेटा नौकरी करेगा तो दूसरी चेन ला कर देगा। वैसे ही जैसे कि सरकार क्या करती है, अपनी कंपनियों के शेयरों का विनिवेश करके उस पैसे से उस सड़क बनाती है या पावर प्लांट बनाती है। तो आपने कोई बड़ी कंपनी ONGC NTPC वगैरह में हिस्सा बेचा और उससे आपने सड़क बनाया, पावर प्लांट बनाया, तो जो कंपनियां 40-50 साल पहले बनी थी उससे थोड़ा पैसा जुटा के नए एसेट बिल्ड किए। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका है इससे तो विकास होता है, लेकिन सरकार ये मानती है कि अगर लोगों का तनख्वाह देने में, ब्याज भरने में इस तरफ अगर ये खर्च होने लगे डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा तो वो गलत होता है। वैसे ही हमारी कहानी में माँ को मालूम है कि घर के जेवर बेचकर भविष्य में निवेश किया, बच्चे की फीस भरी तो ठीक है फिर भी चलेगा, लेकिन घर की दाल रोटी का खर्चा नहीं निकाला जा सकता, वो तो घर के लोगों की आज की कमाई से ही निकलना चाहिए, यानी टैक्स से आए या कहीं और से। तो अब माँ के पास आखिरी रास्ता है कर्ज लेने का, लेकिन बड़े बूढ़े ये कह गए हैं कि कर्ज के चक्कर में जो एक बार फंसा वो फिर कभी निकल नहीं पाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि करें तो क्या करें, किसकी जेब पर बोझ कम डालें, किसकी जेब में से रुपए ज्यादा निकालें, ये वो कश्मकश है जिसमें वित्त मंत्री हमेशा फंसे रहते हैं।